नगरोटा और सांबा में हुए आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार से फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है और आज भी पुंछ को निशाना बनाया गया। एक बार फिर पाकिस्तान ने पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें एक अधिकारी के घायल होने की खबर है। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान की मोची मोहरा, धकनी धोक, न्यू डिगिंग और नेजापीर पोस्ट से भारत की 6 पोस्ट को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर के पास बसे कस्बा गांव पर भी मोर्टार दागे, वहीं भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे पहले रात भर पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में गोलियां बरसाई। पाकिस्तान ने यह फायरिंग चारुंदा के पास की, साथ ही देर रात बारामूला के पास भी फायरिंग की खबर है। बताया जा रहा है कि फायरिंग आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए की गई थी। हालांकि पाकिस्तान अपने इरादों में सफल नहीं हो सका, क्योंकि भारतीय सेना ने रात भर डट कर पाकिस्तान का मुकाबला किया। आपको बता दें कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर के नगरोटा, चमलियाल और रामगढ़ में आतंकी घुसपैठ और सेना पर हमले की कोशिश हुई, जिसमें सेना के 2 अधिकारी समेत 7 जवान शहीद हो गए और सेना ने 7 आतंकियों को मार गिराया। वहीं नगरोटा में अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में 4th आतंकी के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है और इसी के चलते सेना ने दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के आड़ में घुसपैठ की कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन भारतीय जवान इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और पाकिस्तान की तमाम कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।